नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेमोक्रेटिक वार में। आज हम बात करेंगे, कहानी है यूपी के उस डॉन की जो अपराध और ताकत की सीढ़ियां इस तेजी से चढ़ा जिस तेजी से GTA Vice City की मशीन पूरे किए जाते हैं। बहन को छेड़ने वाले का मर्डर करके वह बदमाश बना, फिर कई नेताओं और बदमाशों का काम लगा कि कच्ची उम्र में बड़ी हैसियत बना ली। एक दौर में यूपी के अखबार उसी की खबरों से रंगे होते थे। लखनऊ के हर नुक्कड़ चाय की दुकान और पान की टीहों पर उसी की बात होती थी। लेकिन तब हद हो गई जब उसने प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह की सुपारी ले ली। इस सुपारी की कीमत थी 6 करोड़ रुपए। लड़के का नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। गोरखपुर के बाबकुर गांव में उसके बाप मास्टरी करते थे। खुराक अच्छी थी तो श्री प्रकाश पहलवानी में निकल गया। लोकल अखाड़ों में उसने अच्छा नाम कमाया, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में पहली बार नाम आया 20 साल की उम्र में। साल था 1993। राकेश तिवारी नाम के लफंगे ने उसके बहन को देखकर सीटी बजा दी। मुकम्मल के सूरजवान में उसे गॉड फादर मिल गया। धीरे धीरे उसने अपना एम्पायर बिल्ड किया और यूपी, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और नेपाल में सारे गैर कानूनी धंधे करने लगा। उससे फिरौती के लिए किडनैपिंग, ड्रग्स और लॉटरी की तिगड़म से लेकर सुपारी किलिंग तक में हाथ डाल दिया। एक अंदाजे के मुताबिक अपने हाथों से उसने करीब 20 लोगों की जानें ली। बदमाशी के साथ वह आले दर्जे का अय्याश भी था और आखिर में इसी आदत ने उसका काम लगाया। उसकी पसंद थी महंगी कॉल गर्ल्स, बड़े होटल, मसाज पार्लर, सोने की जंजीरें और तेज भागने वाली कारें। फिल्मी आदमी था, दोस्तों के सामने डायलॉग मारता रहता था। उस दौर में वह सेलफोन का बड़ा दीवाना था। डिंगे हाँकता था कि उसका टेलीफोन का खर्चा रोजाना 5,000 रुपए आता है। जाहिर है जिस आर्थिक बैकग्राउंड से वह आता था, पैसे का आकर्षण उसके लिए सहज था। यूपी में क्राइम की दुनिया की धुरी थी। महाराजगंज के लक्ष्मीपुर का विधायक वीरेंद्र शाही 1997 की शुरुआत में श्री प्रकाश ने लखनऊ शहर में वीरेंद्र शाही को गोलियों से भून दिया। हल्ला हो गया भाई, नए लड़के ने शाही को फेल दिया। पुराने माफियाओं की भी चोट ले गई। श्री प्रकाश ने अपनी हिट लिस्ट में दूसरा नाम रखा कल्याण सरकार में कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी का, जो चिल्लापुर विधानसभा सीट से 15 साल से विधायक थे। जेल से चुनाव जीत चुके थे। श्री प्रकाश ने अचानक तय किया कि चिल्लापुर की सीट उसे चाहिए। उसने बहुत कम समय में बहुत दुश्मन बना लिए। एसटीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक प्रभा द्विवेदी, अमरमणि त्रिपाठी, रमापति शास्त्री, मार्कंडेय चंद्र, जय नारायण तिवारी, सुंदर सिंह बाघेल, श्री प्रताप शुक्ला, जितेंद्र कुमार जायसवाल, आर के चौधरी, मदन सिंह, अखिलेश सिंह और अष्टभुजा शुक्ला जैसे नेताओं से उसके रिश्ते थे। बिहार सरकार में बाहुबली मंत्री थे बृज बिहारी प्रसाद। यूपी के आखिरी हिस्से तक उनका सिक्का चलता था। श्री प्रकाश शुक्ला ने पटना में उन्हें गोलियों से भून डाला। 13 जून 1998 को वह इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के सामने वे अपनी लाल बत्ती कार से उतरे ही थे कि AK-47 से लैस 4 बदमाश उन्हें गोलियों से गुड आफ्टरनून कहके फरार हो गए। बृज बिहारी के कत्ल का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि यूपी पुलिस को ऐसी खबर मिली कि उनके हाथ पांव फूल गए। श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी के CM कल्याण सिंह की सुपारी ले ली थी। 6 करोड़ रुपए में CM की सुपारी लेने की खबर यूपी पुलिस की STF के लिए बम गिरने जैसी थी। STF का अब एक ही मकसद था, श्री प्रकाश शुक्ला जिंदा या मुर्दा। सारे घोड़े दौड़ा दिए गए। अगस्त 1998 के आखिरी हफ्ते में पुलिस को अहम सुराग मिला। पता चला कि दिल्ली के वसंत कुंज में श्री प्रकाश ने एक फ्लैट लिया है। उसका धंधा अंधेरे में ही परवान चढ़ता। शाम को झुटपुट होते ही वह अपने मोबाइल फोन से कॉल करने लगता, मगर उससे एक बड़ी गलती हो गई। उसके पास 14 सिम कार्ड थे, लेकिन पता नहीं क्यों जिंदगी के आखिरी हफ्ते में उसने एक ही सिम कार्ड से बात की। इससे पुलिस को उसकी बातचीत सुनना और उस इलाके को खोजना आसान हो गया। 21 सितंबर की शाम एक मुखबिर में STF को बताया कि अगली सुबह 5:45 बजे शुक्ला रांची के लिए इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट लेगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर घात लगाने का प्लान बना। तड़के 3 बजे पुलिस तैनात हो गई, पर वह नहीं आया। लेकिन दोपहर बाद पुलिस की किस्मत ने पलटा खाया। शुक्ला अब भी अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था। दोपहर 1:50 पे उसकी नीली CLO कार मनमोहन नगर फ्लाईओवर के पास देखी गई, तो वहां पुलिस की 5 गाड़ियां पहले से ही तैनात थी। गाड़ी नंबर HR 26G7305 फर्जी था। वह किसी अन्य स्कूटर का नंबर था जो वो अपनी गाड़ी पे लगा करके घूम रहा था। गाड़ी शुक्ला चला रहा था और अनुज प्रताप सिंह उसके साथ आगे और सुधीर त्रिपाठी पीछे बैठा था।
उसे खतरा महसूस हुआ। उसने स्पीड बढ़ाई और पुलिस की पहली और दूसरी गाड़ी को चकमा दे दिया। तभी इंस्पेक्टर VPS चौहान ने उसकी जिप्सी कार के आगे अड़ा दी। खतरे को सामने देख शुक्ला ने बाएं घुमाकर गाड़ी तेजी से यूपी आवास विकास कॉलोनी की तरफ भगाई। शुक्ला का ऐसा अंत नहीं होता अगर वह बदमाशी और रंगबाजी के नशे में चूर न होता। वह राजनीति में उतरना चाहता था और मुमकिन है कि जल्द ही कानून से पटरी बैठा लेता। उसकी मौत से कुछ महीनों पहले लोग मजाक में कहने लगे थे कि कहीं वह यूपी का मुख्यमंत्री न बन जाए। वैसे श्री प्रकाश शुक्ला की जिंदगी पर पिक्चर भी बन चुकी है। 2005 में आई थी अरशद वारसी की शायर, एक चोरी कुलदीप सरदार ने की थी। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक वार को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू।